हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय फ्रॉम चैनल एन सीरीज। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एज पर द चैलेंज। आज हम हैं फिरोजशाह कोटला फोर्ट में, जहाँ की कहानियाँ अक्सर न्यूज़पेपर, न्यूज़ और गूगल में सुर्खियों में बनी रहती है। मेरे साथ रजनीश दहिया और वो आपको आगे की स्टोरी बताएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है रजनीश दहिया। जैसा कि आप जानते हो, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। 13वीं शताब्दी में यहाँ पे स्थापित किया गया था तुगलक के ज़माने में, और ये दिल्ली के टॉप 5 मोस्ट वॉन्टेड प्लेस में आता है। और यानी कि साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब 4 शहर स्थापित किए गए थे तुगलक में, उसके बाद ये 5वें नंबर पे स्थापित किया गया था। आगे की स्टोरी हम आपको अंदर जाके इधर का ब्यौरा भी करेंगे, उसके साथ आपको इसकी स्टोरी भी बताएंगे। जी, तो अब अंदर की तरफ चलेंगे। और कुछ कहानियाँ होती है जो हर जगह मशहूर होती है, उन्हीं में से एक फिरोजशाह कोटला की है, जो हम आपको आगे चलते चलते वीडियो के अकॉर्डिंग उसी के थ्रू दिखाएंगे। और ये भी रिवील करने की कोशिश की करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये अफवाह है या सही में 7 बजे के बाद यहाँ पे आना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हम जो परमिशन लेके आए वो आर्कोलॉजी से आए हैं। तो हम यही चाहेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस, और अब अंदर जाने की आपसे परमिशन चाहेंगे। आइए कुणाल। तो हम फिरोजशाह कोटला फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ की स्टोरीज काफ़ी मशहूर है। अब हम यहाँ का थोड़ा सा जायजा लेंगे। जब हमने यहाँ पे एंट्री की तो काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। चमगादड़ की आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है, अगर वो कैसे ना कैसे रिकॉर्ड होगी या कैप्चर होगी तो आप सब भी देख पाएंगे। तो मैं चाहूँगा आपको थोड़ा यहाँ का जो नक्शा है वो थोड़ा दिखाइए व्यूअर्स को, कि क्यों ये इतना रात को खौफनाक लगता है कि लोग यहाँ आने से कतराते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि आप जानते हो, कुछ लोग यहाँ पे आए भी होंगे दिन में, उनने देखा होगा। और यहाँ की खास बात एक है, जब यहाँ पे सूर्योदय होता है उसकी जब पहली किरण पड़ती है यहाँ पे, तो पड़ते ही ये चीज़ यहाँ पे, यानी कि जो फोर्ट है ये चमकता है। तो इसकी वजह से लोग जब यहाँ पे सुबह आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, उनको ये चीज़ ये जगह अच्छी लगती है। पर 6 बजे के बाद यहाँ की एंट्री बंद है। वो बैन इसलिए, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे जिनका साया है, और ये बात सच है। और इसी चीज़ को हम प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ मिलता ही नहीं मिलता, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आइए। तो जैसे कि गाइस हमने आपको बताया, हम आ चुके हैं अंदर और हम धीरे धीरे इस जगह का जायजा लेंगे। तो कुणाल को मैं चाहूंगा, कुणाल आप धीरे धीरे आगे आइए और पब्लिक को यहाँ से दिखाइए कि इसका व्यू रात को कैसा दिखता है, कि लोग यहाँ आने से कतराते हैं और आर्कियोलॉजी ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 7 बजे के बाद सब कुछ बैन कर दिया। कहा जाता है यहाँ की स्टोरी इसलिए भी कुछ फेमस है, जब यहाँ पे तुगलक और ब्रिटिशर्स से लड़ाई हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जब सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ पे जिन का साया आ गया, और जिन एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जिनको देखा गया। लोगों ने रात को यहाँ से काफ़ी महसूस किया है और यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर लोगों को बाहर तक सुनाई दी गई है। यहाँ का नक्शा अगर हम देख पाएँ, अब तक हमने जितनी भी हॉन्टेड वीडियोज़ बनाई है उनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक दिखने वाली हमारी वीडियोज़ में से एक लोकेशन ये है। और ये भी कहा गया कि यहाँ पर आई थिंक रंजीत कुछ दुआएं मांगने आते लोग जिन लोग यहाँ पे। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने नेट पे पढ़ा था और यहाँ पे दिन में आगे जब हमने इसको देखा था कि हम कहाँ पे जाएंगे रात को, कहाँ पे नहीं, जो मेन जगह है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था। और यहाँ की स्टोरी ये भी है कि दिन में यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं, आउट ऑफ दिल्ली से भी आते हैं। जो SHO जो थाना पड़ता है यहाँ का, वहाँ के SHO ने यहाँ पे लोगों को मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग मन्नतें मांगने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ से धागा बांधने से यहाँ पे उनकी मन्नतें सारी पूरी हो जाती है। यहाँ पे मना भी किया गया, पर लोग जब SHO ने यहाँ के दिल्ली पुलिस ने ये देखा कि लोगों की मन्नतें इतनी है कि वो मानते हैं जगह को, तो वो यहाँ पे उनकी एंट्री बैन नहीं कर सके, ना उनको मना कर सकते धागा बांधने के लिए। कहा जाता है कि लोग अक्सर रात को भी यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने भी देखी है कि यहाँ पर पुलिस की काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है आउटसाइड एरिया में। यहाँ पे अक्सर PCRs और पेट्रोलिंग के राउंड्स लगते रहते हैं। कहा जाता है यहाँ पे मन्नतें मुरादें लोगों की पूरी होती हैं, जो वो जिनसे मांगते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ अपने परिवार से रिलेटेड और कुछ अपने पर्सनल रिलेटेड। तो आइए कुणाल, हम पूरी व्यूअर जो हमारे उनको दिखाते हैं जगह। और आप देख सकते हो हमारे बैक साइड में कितना अंधेरा है, हम लाइट यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, कि हम कुछ कैप्चर कर पाए, आपको दिखा सके कि यहाँ पे सच्चाई है या नहीं है कुछ। मैं चाहूँगा कुणाल कि आप थोड़ा दिखाते चले लोगों को।
दिन में जिस जगह को टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, रात को ऐसा क्या यहाँ होता है कि इतना खौफनाक बताते हैं इस लोकेशन को, और यहाँ टॉप 5-10 में ये आज भी इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे और न्यूज़ पे सुर्खियों में रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि प्लीज़ अवॉइड टू कम इन नाइट एट फिरोज शाह कोटला फोर्ट। गाइस आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ पे जब इस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो यहाँ की आज तक आपने वीडियो भी बनी होगी, पर इतनी लोगों ने अंदर आके नहीं बनाई आज तक, जहाँ हम आपको कोशिश कर रहे हैं कुछ दिखा सके, कैप्चर करा सके। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा चैनल मेन इसलिए फोकस है कि आपको इन चीज़ों की सच्चाई बता सके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ड एनवायरनमेंट है। मैं चाहूँगा कि लाइट्स को थोड़ा नीचे रखा रहे, क्योंकि ऊपर से काफ़ी चमकादार हो रही है, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। अगर इस जगह को पूरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ लाइट्स की वजह से दिख पा रही है, अदरवाइज जब हम यहाँ पे अंदर आए थे हमें भी इस चीज़ का डर था कि ये अंधेरी, इतनी अंधेरी जगह में कोई कैसे आने की सोच सकता रहा था। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अब टाइम हो चुका है 12:14। जी, जब हम यहाँ पे अंदर आए थे तब हमने टाइम दिखाया था, बताया भी था कि वहाँ पे 12 बजे थे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि दिल्ली में इस टाइम कितनी गर्मी है, तो यहाँ पे आके आपने अंदर जो मौसम है उतना ठंडा हमें महसूस हो रहा है आपके आके, तो आप देखना पीछे देखना। रात का माहौल और एक चमगादड़ की आवाज भी ऐसे लग रही है, ऐसे पता नहीं कितनी भारी कोई चीज हो जो हमारे ऊपर से निकली है, जो हमें भी इस टाइम सोचने पे ये मजबूर कर रही है कि हमने इस टाइम 12 बजे के बाद यहाँ पे आके सही किया है। दो मिनट में हम इस जगह के बिल्कुल मिडल में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे अंदर जाके पूरा पूरा अंधेरे से वो मर रखा है। और कहा जाता है कि मेन ये 2-3 जगह है फिरोज शाह कोटला में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी हरकतें वारदात लोगों ने महसूस की। मिडल में आ चुके हैं और जो हम कैसे हम लोगों को यही कहेंगे कि रात को यहाँ पे आना अवॉइड करें। अगर शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे कहा है कि यहाँ पर सही में कुछ है तो मे भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें ऐसे कुछ दिखा नहीं है। आवाज़ें आ रही है काफ़ी, आगे देख के चला रही है। आवाज आप काफी नोटिस कर सकते हैं। मे बी ये कोई गेट है, आई थिंक सो। गाइस आप देख सकते हो कि सुबह से गेट है वो बंद है, आई थिंक आप इसे टच नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया ये वो गेट है और यही पे सबसे ज्यादा बात है लोगों ने महसूस की। अक्सर रात को यहाँ पर सबसे ज्यादा कोटला फोर्ट हॉन्टेड है, तो आई थिंक वो कैमरे में कैप्चर हुआ होगा जो भी हुआ था, और हम वहाँ पे से सही टाइम पे निकले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिखा वो चीज़ और आप बिल्कुल भी 6 बजे के बाद यहाँ पे ना आए। और हमने यहाँ से भागने की ही कोशिश की और हम बाहर आ गए जल्दी जल्दी, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पे जिनका साया है
हमारे किसी मेंबर के साथ यहाँ पे कोई हरकत हो या हमारे साथ कोई हरकत हो। और हाँ गाइस, एक चीज़ और जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, काफ़ी यूट्यूब पे कमेंट आ रहे इस चीज़ के कि वीडियो हम क्यों नहीं अपलोड कर रहे थे। फ्रॉम लास्ट वन मंथ हम आर्कियोलॉजी से परमिशन ले रहे थे फिरोशा कोटला फोर्ट की, जो कि हमें काफ़ी मुश्किल से मिली। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जितनी भी हॉन्टेड जगह हैं वो हम उनकी वीडियो अपलोड करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। और फेसबुक पे हमारी वीडियोस को जो आपने सपोर्ट किया, यूट्यूब पे जो किया, उनको करते रहिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सीरीज। थैंक यू, बैकअप।